हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। चलो बच्चों, देखो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। उस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। बेसिकली यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर, ठीक है, आप देख रहे हैं रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी है, और साथ में कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021, यानी कंप्यूटर असिस्टेंट की भी वैकेंसी निकल रही है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, वैसे सबके बारे में ही देख लेंगे। देखो 17 अगस्त जो है तब से रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 16 सितंबर 2021 लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, ठीक है। इसमें रिव्यू ऑफिसर है, उसमें 46 वैकेंसी हैं, लेवल 8 की जॉब है ये, ठीक है। और जो हमारे पास असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है उसमें 350 वैकेंसी हैं, लेवल 7 की जॉब है। कंप्यूटर असिस्टेंट में 15 वैकेंसी हैं, लेवल 4 की जॉब है, ठीक है। यहाँ पे 21 से 35 एज है, और यहाँ पे 18 से 35, जो कंप्यूटर असिस्टेंट है 18 से 35 साल की एज लिमिट है, ठीक है। तो एज लिमिट की बात यहाँ पे हमने करी, तो एज लिमिट 18 से 35, 15 वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएशन हो आपका, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो, और आपको कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर क्वालिफिकेशन हो आपके, यानी आपने ओ लेवल किया हुआ हो, पॉलिटेक्निक किया हुआ हो, BCA किया हुआ हो, MCA किया हुआ हो, BTech वगैरह कुछ भी, BTech MTech जो भी है वो सब किया हो, कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन सब में ही मांगी हुई है, ठीक है। सारी पोस्ट में ग्रेजुएशन के साथ आजकल कोई भी जॉब निकलती है बिना कंप्यूटर के कहाँ काम चलता है, कंप्यूटर तो है ही। कंप्यूटर असिस्टेंट में स्पेशली आपको कम से कम ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, या आपके पास पॉलिटेक्निक बेसिक कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट में बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ओ लेवल किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो है यहाँ पर अब मैं आपको बता सकता हूँ, जो बाकी वो है BCA MCA वाले, वे भी सब कंप्यूटर के फील्ड वाले सब कर सकते हैं इसमें अप्लाई। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जो है एप्लीकेशन लिंक जो है अवेलेबल रहेंगे आपके पास, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 रुपये एग्ज़ाम की फ़ीस है, और SC ST वालों के लिए 600 रुपये है, ठीक है। अब आपको कैसे फिल करना है, ये वेबसाइट है इलाहाबाद हाई कोर्ट .in की, या recruitment.nta.nic.in। NTA वाले इस एग्ज़ाम को करा रहे हैं, जैसे ही आप NTA की वेबसाइट पे जाएंगे ये आपके पास यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर इसी के बारे में लिखा हुआ है जो वैकेंसी है उसके बारे में, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर RO या ARO या एप्लीकेशन फॉर CA, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म CA, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट CA आ जाएगा। यहाँ से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप NTA पे करते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। 800 रुपये, 600 रुपये, ये सब लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इसमें सब लिखा हुआ है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और क्लिक टू प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, फादर का नाम, मदर नेम, ये सब अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करके रजिस्ट्रेशन करना, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फी पेमेंट कर देंगे, आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। वहां से आप लॉगिन करके बाद में देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 4 स्टेप में आपके पास यहां पे इसमें एप्लीकेशन जो है करनी है। तो इस तरह से आपको जो है बेसिकली ये फॉर्म, जो भी बच्चे हैं जिनको अगर फिल करना है तो वो कर सकते हैं इसको फिल, ठीक है। तो फिल करने के बाद जो है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर है, जो इन बच्चों ने किया हुआ वो सब कर लेंगे। इसके सिलेबस के बारे में क्या होगा उनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।